सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू डिजिटल हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हरियाणा सरकार किन महिलाओं को दे रही है स्कीम का लाभ, तो वीडियो में बने रहे। अब विधवा महिला भी कर पाएगी स्वयं का व्यवसाय, हरियाणा सरकार देगी 3 लाख रुपए तक का ऋण। लोन स्कीम का लाभ लेने वाली महिला की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके लिए मसाला यूनिट, डोना बनाना, रेडीमेड गारमेंट, ब्यूटी पार्लर, ऑटो रिक्शा, परचून की दुकान, कॉस्मेटिक दुकान, ब्यूटी स्कूल, यूनिफॉर्म, बैग बनाना व अचार बनाना आदि परीक्षण भी लिया होना चाहिए। रोहतक JNN महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश सरकार स्वरोजगार को बढ़ावा दे रही है। अनेक महिला सरकार की ओर से इस दिशा में चलाई जा रही है, योजना का फायदा भी उठा रही है। इतना ही नहीं, कुछ तो दूसरों को रोजगार मुहैया करा रहे हैं। अब विधवा महिला भी स्वरोजगार अपना कर अपने परिवार का विकास कर सकती है। सरकार उनको ऋण उपलब्ध कराने में मदद करेगी। हरियाणा महिला विकास निगम की ओर से राज्य विधवा महिलाओं को अपना स्वयं का व्यवसाय करने के लिए बैंक के माध्यम से 3 लाख रुपए तक का ऋण आसान किस्तों में कम ब्याज पर उपलब्ध करवाया जाता है। पात्र महिला सरकार की इस कल्याणकारी योजना का लाभ उठाकर अपने भविष्य को उज्जवल बना सकती है। विधवा महिलाओं को बैंकों के माध्यम से 3 लाख रुपए तक के बैंक ऋण के ऊपर ब्याज की प्रतिपूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम की ओर से अनुवाद के रूप में अदा की जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 50,000 रुपये, लोन की अवधि 3 वर्ष जो भी पहले होगी, ब्याज सब्सिडी दी जाती है। इन पैसों से महिला अपना खुद का गुजारा कर सकती है। जानकारी के मुताबिक इस योजना का लाभ लेने वाली महिला की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। सरकार की ओर से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस कल्याणकारी योजना का लाभ उठाना चाहिए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे कि आप किस प्रकार घर बैठे इस फार्म को अप्लाई कर पाएंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। तो सबसे पहले आपको अपना गूगल क्रोम एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। जैसे ही आपके एप्लीकेशन ओपन हो जाती है तो आपको एक वेबसाइट सर्च करनी होगी, सरल हरियाणा GOV.in। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट में साइन इन करना है। जैसा कि आप देख पा रहे, कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। सबसे पहले आपको मेनू बार में जाना है, वहाँ पर अप्लाई फॉर सर्विस के ऊपर टैप करना है। व्यू ऑल अबाउट सर्विस, इसके ऊपर टैप करना है। और आपके सर्च बार में जाना है और वहाँ पर लोन लिखना है और 2 नंबर के ऊपर जाना है। और यहाँ पर आप एक 12 नंबर पे एक आर्टिकल देख पा रहे हैं, आपको उसके ऊपर टैप करना है। तो देख पा रहे कुछ ऐसा इंटरफेस तो होगा। तो सबसे पहले आपको इस फॉर्मेट को डाउनलोड कर लेना है। आपको सबसे पहले इसको डाउनलोड कर लेना है और फिर कंप्लीट भरना है। यदि आप किसी नगर पालिका क्षेत्र से आते हैं, अपने वार्ड मेंबर से साइन करवा लेना है। अब हम आगे चलते हैं, इसको अप्लाई करते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आई है फैमिली आईडी का एक ऑप्शन दिया गया है, आपको उसके ऊपर टैप करना है। आपको उसके अंदर फैमिली आईडी फिल करनी है। और क्लिक हेयर फैमिली डेटा के ऊपर क्लिक करना है और आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं नंबर डिटेल, इसके ऊपर टैप करना है। ये सिर्फ लेडीज़ के लिए ही है। और सेंड OTP के ऊपर क्लिक करना है। एक OTP जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर, जो फैमिली आईडी में रजिस्टर्ड नंबर है, आपको उसको वहाँ पर फ्लिप करना है। जैसे ही आप देख पा रहे हैं वेरीफाई क्लिप OTP के ऊपर क्लिक करोगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस होगा। आपको नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करते हुए यहाँ पर एक चूज़
फाइल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर एक फ़ोटो मांग रहा है, आपको एक फ़ोटो लगानी है और यहाँ पर जिस भी महिला का आप ये फॉर्म भर रहे हैं तो उसके हस्बैंड का नाम लिखना है। यहाँ पर एक कैटेगरी का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर आप कैटेगरी सिलेक्ट करके भर सकते हैं। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं आपको वही भरना है। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस फिलअप करना है। सबसे पहले आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर टैप करना है, यहाँ पर आप जितने पढ़े लिखे हैं आपको उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल देनी है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको जितने लोन की आवश्यकता है आपको उतनी अमाउंट डाल देनी है। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है लोन रिक्वेस्ट फॉर, इसमें पूछ रहा है कि आप अपने नए बिजनेस को शुरू करने के लिए लोन ले रहे हैं या अपने पिछले बिजनेस को शुरू करने के लिए लोन ले रहे हैं, आप उसके हिसाब से यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपने कभी भी पहले लोन लिया है तो आपको उसकी सारी डिटेल यहाँ पर डाल देनी है। अगर आपने यहाँ पर कोई लोन नहीं लिया तो नो करके आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ही आप ये सब डिटेल भर दे तो आपको नीचे की ओर आना, आई एग्री के ऊपर क्लिक करना और नीचे की ओर एक कैप्चर शो हो रहा है, आपको उसको भरना है, सेव के ऊपर क्लिक करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं वेबसाइट पूरी तरह से लोड हो चुकी है। सबसे पहले आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर ध्यान रहे कि आपको जो अपने सेक्रेटरी या वार्ड पार्षद से जो साइन करवाए थे वो डॉक्यूमेंट्स फिलअप करने हैं। आपको रेजिडेंट प्रूफ के ऊपर क्लिक करना है। आपको अपनी वोटर आईडी, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इनमें से एक प्रूफ यहाँ पर फ्लिप करना, फिर अपलोड करना है। यहाँ पर आपको अपनी एनुअल इनकम डालनी है और ब्राउज़र के ऊपर आके इसे अपलोड करनी है। यहाँ पर आपको अपनी कास्ट प्रूफ डालनी है और इसे अपलोड करनी है। यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड सेलेक्ट करना है और वैसे ही इसको भी अपलोड करना है। सेव कर देना, आपकी स्कीम अप्लाई हो जाएगी। इसके कुछ दिन बाद डिपार्टमेंट की तरफ से आपके पास फ़ोन आएगा। इसके बाद आपको उनको अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स देने हैं। वहाँ सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स जांच किए जाएंगे। उसके बाद यदि आप इस स्कीम के लिए सही पाए जाते हैं आपको ये लोन मिल जाएगा, आप अपना बिजनेस और व्यवसाय आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।